लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी है कि बजट MHA से वापस भी आ गया है, उसके बाद CM साहब के माध्यम से LG साहब से अप्रूव होकर वापस आ गया है, तो 4 तारीख को यानी सोमवार को मैं बजट यहाँ पे सदन में प्रस्तुत करूँगा। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं, आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सरकारी राजस्व के बारे में और जो हमारा बजट है सरकार का उसके बारे में आंकड़े रखूंगी। मैं जब ये आंकड़े देख रही थी, इकोनॉमिक सर्वे जब कम्प्लीट हुआ, तो मैं याद कर रही थी कि जब हम 2013 में पहली बार चुनाव लड़े थे तो हमारा एक चुनावी नारा था, बिजली हाफ पानी माफ। और उस समय लोग हम पे हंसा करते थे, वो कहते थे जी अरविंद केजरीवाल ऐसे ही सपने दिखाता है, ये संभव नहीं है कि वास्तव में बिजली हाफ हो जाएगी, पानी माफ हो जाएगी। और जो लोग कहते थे कि अच्छा ठीक है सब्सिडी देके कर लेंगे बिजली हाफ पानी माफ, उन्होंने कहा कि ये दिल्ली की अर्थव्यवस्था को, उसके राजस्व को डुबो देंगे, सारा सरकारी खजाना खत्म कर देंगे, इन लोगों से सरकार नहीं चलेगी। लेकिन आज अध्यक्ष महोदय, हम सबके लिए जो इस सदन में बैठे हैं, ये गर्व की बात है कि अगर आज पूरे देश में एक सरकार है जो वो मुनाफे में चलती है, फिस्कल सरप्लस के साथ चलती है, वो दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। 2021-22 में दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस 3,270 करोड़ था और 2022-23 में ये बढ़ के 14,450 करोड़ हो गया कि इतना खर्च करने के बाद भी जितना हमारा खर्चा है उससे ज्यादा राजस्व दिल्ली सरकार के पास है, उससे ज्यादा रेवेन्यू दिल्ली सरकार के पास है। दिल्ली सरकार ने 2022-23 में अपने राजस्व में 18% की वृद्धि को देखा है। और ना सिर्फ इतना, जैसा मैंने आपको कहा कि दिल्ली सरकार इस देश की एकमात्र मुनाफे में चलने वाली फिस्कल सरप्लस वाली सरकार है, और इसका कंपैरिजन मैं केंद्र सरकार से रखना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, आज की जो हमारी जो केंद्र सरकार है वो वास्तव में उधारी की सरकार है। 2014 से लेकर 2024 तक के अगर आप आंकड़े देखिए, 2014 में हमारे देश का डेट 55 लाख करोड़ था, यानी आजादी से लेके 2014 तक 55 लाख करोड़, लेकिन मात्र 10 साल में वो 155 लाख करोड़ हो गया है, यानी देश की उधारी 3 गुना बढ़ गई है। एक आंकड़ा होता है इकोनॉमिक सर्वे में डेट एज परसेंटेज ऑफ GDP, यानी हमारे देश के GDP का कितना हिस्सा वास्तविक तौर पे उधारी है, डेट है जो हमें वापस करना है। 2014 में ये आंकड़ा था 67%, लेकिन पिछले 10 साल में ये बढ़ के 92% हो गया है। तो आज देश का 92% GDP का हमारा डेट का हिस्सा है। और इसके विपरीत दिल्ली में, अध्यक्ष महोदय, जो एक फिस्कल सरप्लस बजट की मैं बात कर रही हूँ, एक मुनाफे की बजट की मैं बात कर रही हूँ, ये हमें पिछली सरकारों से नहीं मिला है। पिछली सरकारें डेट लेती आई थी, लोन लेती आई थी, अपने राजस्व से ज्यादा खर्चा करती आई थी। तो इसलिए जब दिल्ली में हमारी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो काफी उधारी दिल्ली सरकार पर भी थी। तो एक आंकड़ा होता है अध्यक्ष महोदय, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीट्स, यानी कितनी उधारी दिल्ली सरकार पर है कि जितना राजस्व है उसमें से कितना परसेंट हिस्सा हमें उधारी चुकाने में, उसका इंटरेस्ट चुकाने में देना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, 2012-13 में ये आंकड़ा रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीट्स 11.2% था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जितनी समझदारी के साथ ये सरकार चलाई है, ये आंकड़ा 11.2% से घटकर आज मात्र 5.2% रह गया है। इसका मतलब है कि दिल्ली सरकार ने अपनी उधारी को समाप्त किया है, कम किया है, फिर भी इतनी शानदार सरकार चलाई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।